नौकरी लग गई है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका जो जो क्राइस्टचर्च की थी उसकी जॉब लग गई, तेजू जॉब लग गई है उसकी। बाकी दो तीन लोग हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ से अच्छा विजयनगर में मज़ा आ रहा है। विजयनगर में 6-7 बच्चे हैं बिल्कुल गंभीरता से पढ़ रहे हैं। बच्चे गंभीर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, वहाँ विजयनगर में 4 गर्ल्स हैं 2 बॉयज़ हैं, वो दोनों मतलब बढ़िया तरह पढ़ रहे हैं। अब वो लोगों की कोचिंग मैच कर वो कर रही है, वो कम ट्यूशन की बता रहे, तो कोचिंग है सर आप 8 बजे से कर दीजिए, तो हमने कहा 8 बजे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि 8 बजे से अगर हम नहीं पढ़ाएं उनको नहीं पढ़ाएंगे ना, तो सेमेस्टर वाले का हमारा आगे का ख़त्म हो जाएगा भविष्य। क्योंकि सेमेस्टर वाला बच्चा, हर एक बच्चा कॉलेज जा रहा है। तो देखिए, हमने शुरू किया था, देखो ये लेसन हम शुरुआत से बरता दे रहे हैं। देखिए लेसन सेकंड हमने शुरू किया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, खोल दो जरा लेसन सेकंड, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रो डायनामिक्स। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रो डायनामिक्स, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये तुम लोग पढ़ चुके थे, तुम जरा नोट कर लो, नहीं समझ नहीं आएगा। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसके लिए पहले आपको बता दें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ्रेम S है जो रेस्ट में है, X, Y, Z, ऑब्जर्वर O, S। दूसरा फ्रेम हमारा, ये वो नहीं है, मेरा वो है कि चाहे एक बच्चा पढ़े, बच्चे तो बैच जब चलेगा तो अपने आप बढ़ेंगे या घटेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, पर थोड़ा सीरियस हो। अब जैसे अभी हमने गुमटी में एक गर्ल्स थी MSc प्रीवियस में, उसने ज्वाइन किया तो कह रही सर एक है, हमने कहा पढ़ाएंगे तो धीमे धीमे बच्चे, वहाँ 8-9 हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं 10-12 हैं, आए नहीं हैं, पर जो बैच चलता है तो फिर प्रॉपर वे में चलने लगे। तो अब तुम लोग अगर रेगुलर सीरियस वे में पढ़ने लगो तो बैच अपने आप, जिसको पढ़ना होगा खुद आएगा, X-Y-Z-। और MSc फाइनल ईयर अभी के इस सिलेबस में सरल है, उतना टिपिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर टफ है, क्योंकि क्वांटम भी है वहाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स भी है, ये वाला सरल है। एटॉमिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, 5वां पेपर लेजर का है, 4th पेपर ये है, ठीक है, तो ये आसान है। वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z, T इन फ्रेम S, X-Y-Z-T इन फ्रेम S-, इन फ्रेम S-, ठीक है। ये तो आपने BSc में पढ़ा है, थर्ड ईयर में
coordinates of particle P in frame S with respect to S dash. ये आपने पढ़ा, ये याद रखिएगा. Coordinates of particle P in frame S with respect to S dash. पार्टिकल के कोऑर्डिनेट फ्रेम एस में विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर टी डैश. ये कोऑर्डिनेट हैं फ्रेम एस के, ये कोऑर्डिनेट हैं फ्रेम एस डैश के. तो एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर, क्योंकि मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है, वाई और जेड पे मोशन ही नहीं है, तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स बदलने ही नहीं है. टी के कोऑर्डिनेट गैलीलियन ने नहीं माना, गैलीलियन ने माना कि टाइम कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं. तो टी बराबर टी डैश किसने मान लिया, गैलीलियन ने. तो अब आपके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश और टी बराबर टी डैश. अब आइए बच्चों कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल पी के. Coordinates of particle P coordinates of particle P in frame S dash, in frame S, ये learn रखना, इसी पे आगे की चीज चलेगी. बहुत आसान है, अभी याद कर देखो. ये तीन तो तुम्हें याद हो गए, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश, t बराबर x डैश, x की वैल्यू x डैश प्लस v t डैश. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल p इन फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s विद रिस्पेक्ट टू s. तो x डैश की वैल्यू x माइनस v t, y डैश की वैल्यू y, z डैश की वैल्यू z, टी डैश की वैल्यू है टी. प्रभात तुम भोजन नहीं करके आए हो, तो ऐसा है ना, तुम दो पराठे खा लो, अभी हम खिलाते हैं ना तुमको, क्यों देर लगेगी तुमको. अच्छा फिर रास्ते में फिर तुम समोसे खा लेना तुम, और क्या है, फिर टाइम तो लग जाए, दूर है ना, रास्ते में खा लेना. लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन खोलो जरा, कौन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से. अरे मिश्रा जी
अब देखिए, जब आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ठीक है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स वाई जेड ऑब्जर्वर ओ फ्रेम एस, दूसरा है वाई डैश एक्स डैश जेड डैश, ठीक है, ये भी वी वेलोसिटी से पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ये फ्रेम एस में, ये फ्रेम एस डैश में, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आए अच्छा अच्छा विकास तुम ले आ जाना, कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं,
coordinates of particle P in frame S with respect to S dash. S dash. Coordinates of particle P in frame S with respect to S dash. तो आप देखिए x की वैल्यू x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. x बराबर x डैश प्लस नीचे प्रदीप सर दे देना x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको याद करना है. वाई में तो कोई फर्क है नहीं वाई डैश, जेड में कोई फर्क नहीं जेड डैश, और टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये कोऑर्डिनेट्स फ्रेम एस में, ये कोऑर्डिनेट्स फ्रेम एस डैश में. तो एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन. ये जो अंडर रूट में देख तो वी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन सी आ रहा है, इसे क्या कहते हैं बीटा. एक बात तो ये ध्यान रखिएगा वी अपॉन सी क्या है बीटा. और दूसरी बात ये कि गामा एक टर्म लेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये गामा लेंगे, दिस वैल्यू क्या लेंगे गामा. तो गामा की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर, वन माइनस बीटा स्क्वायर ये गामा है. ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, टी बराबर गामा टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं. x बराबर गामा x डैश प्लस वी टी डैश, टी डैश टी बराबर गामा टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश, ऐसे भी लिखा जाएगा. अभी यही यूज करेंगे. इनवर्स रिलेशन देख लीजिए, इनवर्स रिलेशन उल्टा. अब हम आगे टॉपिक पे चलें. इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन है. एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी रूट वन माइनस ये. ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की वैल्यू वाई, जेड टी डैश की वैल्यू, ठीक है टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गामा प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये इसके फॉर्म में आएगा.
अब आइए आज का टॉपिक। ये तो अब हमने बेसिक आपको याद रखना है। अब आइए लॉरेंज इनवेरियंस, ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। इसके बिना कुछ आगे पढ़ ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें ये नहीं आया। लॉरेंज इनवेरियंस ऑफ डेल डेल स्क्वायर एंड डीएलम्ब्रेशन ऑपरेटर इन फोर क्वाड्रेंट्स। लॉरेंज इनवेरियंस ऑफ डेल डेल स्क्वायर ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ कितनी देर में आ रहे भाई, आओ जल्दी आओ। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश का मान गामा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश की वैल्यू वाई है, जेड डैश की वैल्यू जेड। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी फर्स्ट डी, तो यहाँ पर टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर फर्स्ट डी, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड। उस पर तो मोशन ही नहीं है, वाई जेड कोई फर्क ही नहीं। एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी और टी डैश बराबर गामा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश, वाई बराबर वाई डैश। वेयर गामा की वैल्यू है वन अपॉन अंडर रूट, ठीक है, और बीटा की वैल्यू है बी अपॉन से, बीटा की वैल्यू है बी अपॉन। अब यहां पर
इस वाले रिलेशन से एक्स डैश को फंक्शन मानो एक्स और टी का, भाई एक्स डैश फंक्शन है एक्स, भाई एक्स भी आ रहा है टी भी आ रहा है एक्स और टी। वाई डैश को फंक्शन मानो वाई का, जेड डैश को फंक्शन मानो जेड का, और टी डैश को फंक्शन मानो एक्स और टी का। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से चले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम। अब बेटा तुम्हारी तबीयत सही है अमृता? अब बिल्कुल ठीक है, है? फर्स्ट से एक्स डैश फंक्शन है एक्स और टी का, ये आपका थर्ड ए माना। वाई डैश फंक्शन है वाई का, थर्ड बी। जेड डैश फंक्शन है जेड का, थर्ड सी। और टी डैश फंक्शन है एक्स और टी का, थर्ड डी। टी डैश फंक्शन है एक्स और टी का। अब यहां पर यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये पहले एक्स डैश फंक्शन एक्स और टी का, वाई डैश फंक्शन वाई का, जेड डैश फंक्शन जेड का, टी डैश फंक्शन क्या है एक्स और टी का। अब देखिए एक्स डैश फंक्शन है एक्स और टी का, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश की वैल्यू क्या करूंगा, डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर एक्स डैश डेवर अपॉन डेवर टी अपॉन डेवर डेवर एक्स डैश। भाई डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश था और एक्स डैश फंक्शन था एक्स और टी का इस इक्वेशन, तो हमने क्या किया डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश में डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर टी अपॉन डेवर एक्स डैश ऐसे कर लिया। ठीक है, अब यहां पर डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स डैश, अब देखिए इसी तरीके से इसको कर लीजिए इक्वेशन 4a, 4a। ठीक है, अपनी तरफ से इसी तरह डेवर अपॉन डेवर वाई है वाई डैश डेवर अपॉन डेवर वाई अपॉन वाई डैश 4b। डेवर अपॉन डेवर जेड डैश डेवर अपॉन डेवर जेड डैश डेवर अपॉन डेवर जेड अपॉन फोर्स डेवर अपॉन डेवर टी डैश देवर अपॉन देवर एक्स देवर टी डैश ठीक है।
अब यहां पर भाई जैसे ये वाला था 4D, यहां पर एक्स डैश जो है फंक्शन है एक्स और टी का, तो हमने एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व किए। यहां पर वाई डैश फंक्शन है वाई का, तो यहां वाई इन्वॉल्व किया। जेड डैश फंक्शन है जेड का, तो यहां जेड इन्वॉल्व किया, ठीक है। यहां पर आपका टी डैश फंक्शन है, टी डैश फंक्शन है एक्स और टी का, तो एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व किए, ठीक है। एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व किए, समझ गए। तो जो जिस स्थिति पे है हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा इन्वॉल्व। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ए, एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। ये बड़ा समझने वाला है थोड़ा। अब देखिए डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स डैश, तो डेवर एक्स अपॉन गामा तो डेवर एक्स अपॉन गामा 5 है। डेवर अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर टी डैश कर लो, डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर टी डैश कर लो, डेवर एक्स अपॉन डेवर टी डैश। तो डेवर एक्स टी डैश गामा बाहर वी बाहर, ठीक है। डेवर वाई अपॉन ये पूरा हम बैलेंस कर रहे हैं एक अभी डेल ऑपरेटर वाला करने के लिए। अब देखिए ये हो गया डेवर वाई अपॉन डेवर वाई डैश, वाई बराबर वाई डैश फिफ्थ सी जेड अपॉन फाइव। अब टी वाला करिए, टी की वैल्यू, टी वाली इक्वेशन देखो जरा, टी वाली इक्वेशन है गामा वेयर गामा टी डैश वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डेवर टी अपॉन डेवर एक्स डैश गामा डेवर टी अपॉन डेवर एक्स डैश
गामा डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश गामा टी डैश एक्स डैश का वन होगा बाकी जीरो हो जाएगा, तो डेवर टी अपॉन डेवर एक्स डैश का मान गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। ये एक बना जाके अब देखिए टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन तो डेवर टी अपॉन डेवर टी डैश गामा डेवर टी डैश अब डेल ऑपरेटर देखिए बस पढ़ा रहे हैं। अच्छा कुछ किया नहीं। ठीक ठीक कुछ किया। अच्छा ठीक 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 अब आज बात ठीक 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 अब देखिए अब ये डेल ऑपरेटर अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिस्टम डेल डैश बराबर डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश डेवर अपॉन डेवर वाई डैश ये आपका तो आपको इसको लाना है तो ये वाला तो सेम हो जाएगा डेवर अपॉन डेवर वाई वाला तो देखो वही आ गया डेवर अपॉन डेवर वाई वाला अभी हम कर रहे हैं। देखिए पहले आप वो लीजिए डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश वाला
फ्रॉम इक्वेशन 4a, 4a, देवर अपॉन देवर x डैश, देवर x, देवर अपॉन देवर t, t अपॉन देवर x डैश, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश की वैल्यू डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स डैश की वैल्यू गामा के बराबर, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश गामा डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर टी अपॉन डेवर एक्स डैश गामा वी अपॉन सी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी, गामा बाहर हो गया, तो डेवर अपॉन गामा डेवर अपॉन डेवर एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर डेवर, तो ये आपका इसकी जगह हम रख देंगे, डेवर अपॉन डेवर वाई डैश की वैल्यू, चाचा आ गया खोल, एक मिनट, वो प्रभात है, प्रभात के साथ चले जा रहे हैं, Gracias.
मारकर कहाँ रख दिए, कुछ तो बेकार मारकर ऊपर रखा है, लग नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं ऊपर अब देखिए ये डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश की वैल्यू आई, डेवर अपॉन डेवर, डेवर अपॉन डेवर वाई की वैल्यू, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर वाई अपॉन डेवर वाई डैश, डेवर वाई अपॉन डेवर वाई डैश की वैल्यू डेवर वाई अपॉन डेवर वाई वन आती है, वो क्या आती है वन, तो ये क्या आ जाएगी डेवर अपॉन डेवर वाई। देखो जल्दी से, डेवर अपॉन डेवर जेड की वैल्यू, डेवर अपॉन डेवर जेड डैश की वैल्यू, डेवर अपॉन डेवर जेड, डेवर जेड अपॉन डेवर जेड डैश, तो डेवर अपॉन डेवर जेड, ये डेवर जेड अपॉन डेवर जेड डैश का मान बराबर आता है डेवर जेड अपॉन ये वन, तो ये हो गया डेवर अपॉन डेवर जेड 12। ठीक है, अब ये रख दीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं, डेल डैश फ्रॉम इक्वेशन, बोलो नहीं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 9 डेल डैश का मान है डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश, डेवर अपॉन डेवर वाई डैश, डेवर अपॉन डेवर जेड डैश। अब देखिए डेल डैश की वैल्यू आई, डेवर अपॉन डेवर एक्स डैश का मान आया गामा डेवर अपॉन डेवर एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी इंटू आई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप, जेड इंटू के कैप। तो इस तरीके से डेल डैश डज नॉट इक्वल टू डेल, डेल ऑपरेटर इनवेरियंट नहीं है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, डेल ऑपरेटर इनवेरियंट नहीं है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस डेल डैश इज नॉट इनवेरियंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरियंट नहीं है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बस बच्चों ये हो गया, ठीक है, डेल डैश इनवेरियंट नहीं है अंडर लॉरेंज। अभी और डेल स्क्वायर करना है, फिर डी एलिमिनेशन वाला करना है, वो अगले टर्न पर करेंगे, ठीक है, जाओ बच्चों।